हेलो डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 7। हियर वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स इन एन इक्वेशन, इन एन सिंपल इक्वेशन। देर आर टू मेथड्स। फर्स्ट वन इज बाय बैलेंसिंग द इक्वेशन, एंड सेकेंड वन इज ट्रांसपोजिशन। वन बाय वन हम लोग समझेंगे क्या होता है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन और क्या होता है ट्रांसपोजिशन। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों के पास एक इक्वेशन है 2x = 3। यह एक इक्वेशन है। अब इसको हम लोग बैलेंस करके हम लोग वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, वेरिएबल को अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे। सॉरी, वी विल नॉट एलिमिनेट द वेरिएबल, वी विल सेपरेट द वेरिएबल, ठीक है, फ्रॉम द कॉन्स्टेंट्स विथ विच द वेरिएबल्स इज अटैच्ड। तो यहाँ पे देखिए, एक्स 2 के साथ अटैच्ड है, तो 2 को यहाँ से अलग कर देंगे तो वेरिएबल अकेला हो जाएगा। तो वेरिएबल को अकेला करना है, सेपरेट करना है सब चीज से। तो क्या करेंगे बैलेंसिंग इक्वेशन में, दिस इंप्लाई दैट हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड, अगर 2x में 2 से डिवाइड कर दें तो 2 यहां से हट जाएगा। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे प्रोसेस, वही राइट हैंड साइड में भी करेंगे। इधर भी 2 से डिवाइड, LHS में भी 2 से डिवाइड किए तो RHS में भी 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो अब यहाँ पे हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे तो 3/2 में 2 से 3 कैंसिल नहीं होगा, तो x यहाँ सेपरेट हो गया 3/2। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 3/2। बस x का वैल्यू ही फाइंड आउट करना था हम लोगों को वेरिएबल का, तो आ गया। अब जैसे मान लीजिए हम लोगों के पास दूसरा ही क्वेश्चन रहता, थ्री एक्स प्लस 2 इक्वल टू 8। क्लियर? नाउ दिस इज द इक्वेशन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 2 को हटाएंगे इधर से, 3 को नहीं हटा सकते सबसे पहले, क्योंकि 3x के साथ अटैच है। तो 2 को हटाएंगे, तो 2 को हटाने के लिए माइनस करेंगे LHS में 2 से, तो RHS में भी माइनस करेंगे। जो प्रोसेस हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई करेंगे, वही राइट हैंड साइड में भी अप्लाई करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग 2 on both sides। तो देखिए यहाँ पे तो 2 + 2 और -2 जीरो हो जाएगा, तो इधर 3x बच जाएगा, यहाँ 8 में से 2 जाएगा तो क्या होगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। आगे के प्रोसेस में हम लोगों के पास 3x है LHS में और RHS में 6 है। अब क्या करेंगे, जो हम लोग ऊपर वाले इक्वेशन में अप्लाई किए हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग अप्लाई किए हैं, वही अप्लाई करेंगे यहाँ पे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 3 से दोनों साइड, क्या किया हम लोगों ने, डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। हम लोगों के पास इधर 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया और इधर 3 × 2 = 6 कैंसिल आउट हो गया, तो हम लोगों को x का वैल्यू क्या आ गया, 2। तो दिस विल बी द आंसर। तो इस तरीके से हम लोग बैलेंस करके बनाते हैं इक्वेशन को। क्लियर? अब लोग ट्रांसपोजिशन, रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन देखेंगे। रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन में कहता क्या है कि अगर कोई भी वैल्यू अपना साइड चेंज कर रहा है, कोई भी कांस्टेंट अपना साइड चेंज कर रहा है, इफ एनी कांस्टेंट और वेरिएबल is changing its side, that means, that is, side कहने का मतलब LHS and RHS, then subtraction is changed into addition and
मल्टीप्लीकेशन इज चेंज्ड इनटू डिवीजन। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब उल्टा भी होगा तो भी चलेगा, मतलब कि अगर कोई चीज LHS में लिखा हुआ है और वो RHS में जा रहा है और ये इधर सब्ट्रैक्शन में है तो LHS से उठ करके RHS में जाएगा, तो ये सब्ट्रैक्शन विल चेंज इनटू एडिशन, मतलब माइनस विल चेंज इनटू प्लस। एंड अगर ये LHS में प्लस टू है और ये अगर चेंज होकर के, ये अगर उठ करके RHS में जा रहा है तो ये इसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा, और यही वाइस वर्सा भी होगा, मतलब अगर कोई चीज RHS में लिखी हुई है और उसको LHS में लेकर के जा रहे हैं, RHS में लिखा हुआ है टू, उसको LHS में लेकर जाएंगे तो टू इधर पॉजिटिव है तो इधर आकर के निगेटिव हो जाएगा, और अगर इधर टू निगेटिव रहता तो इधर आकर के पॉजिटिव हो जाता। ठीक है, उसी तरह मल्टीप्लीकेशन में भी होता है, अगर LHS में मल्टीप्लीकेशन में है कोई भी कॉन्स्टेंट या वेरिएबल तो RHS में जाएगा तो वो डिवीजन में हो जाएगा, और अगर डिवीजन में है तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। इसका हम लोग यूज देखते हैं आगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम लोगों के पास है 2x इक्वल टू 3, यह इक्वेशन हम लोगों ने लिया था। अब देखिए 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है, 2 इंटू एक्स इसका मतलब है 2x, मतलब 2x का मतलब क्या क्या हो सकता है, 2x का मतलब हो सकता है 2 इंटू एक्स या x प्लस एक्स, सॉरी हियर इट विल बी प्लस x प्लस एक्स, तो टू इंटू एक्स है तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, तो अब 2 को वेरिएबल को अलग ही करना है, हमेशा इसको सेपरेट करना है वेरिएबल को, दोनों ही केस में, ये चाहे आप बैलेंसिंग कर रहे हो चाहे ट्रांसपोजिशन का रूल अप्लाई कर रहे हो, दोनों केस में अलग करना है वेरिएबल को, सिंगल अकेले रखना है। तो 2 को इधर से हटाएंगे, 2 इधर इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, इसको एक बार लिख देता हूँ, 2 इंटू एक्स है तो 2 एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो 2 इधर से उठ करके अगर RHS में हम लेकर चले जाते हैं तो इधर अकेला रह जाएगा वेरिएबल, एक्स बच जाएगा सिर्फ, तो इधर आकर के ये डिवीजन में हो जाएगा, मतलब 3/2, और इसको ऐसे लिख सकते थे पहले 3/2, 2 डिवीजन में हो गया, मल्टीप्लीकेशन में था यहाँ पे 2 डिवीजन में हो गया, तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 3। ठीक है, और ये आंसर हो जाएगा हम लोगों का। वहीं अगर हम लोगों के पास दूसरा इक्वेशन रहता, एक और इक्वेशन देख लेते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 2 इक्वल टू 8 ये था। ठीक है, तो हम लोग पहले एडिशन वाला का प्रोसेस करेंगे, क्यों, क्योंकि इसको हम लोग मल्टीप्लीकेशन पूरा होल के साथ नहीं है, पूरा होल वाला भी एग्जाम्पल एक ले लेंगे हम लोग, यहाँ पूरा होल के साथ नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले एडिशन वाला प्रोसेस करेंगे, तो 2 को 2 इधर प्लस में है तो उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 2, साइन चेंज हो जाएगा उसका, तो क्या हो जाएगा हम लोगों के पास 8-2, 6। अब 3 इधर मल्टीप्लीकेशन में है LHS में तो उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवीजन में हो जाएगा और कट जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा 3, विच इज दिस विल बी द आंसर। ये रूल है ट्रांसपोजिशन का। ठीक है, अब हम लोग एक होल वाला सॉल्यूशन ले लेते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोगों के पास है 3 × x + 2 = 9, ये इक्वेशन है हम लोगों के पास। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे प्लस वाला ब्रैकेट में है तो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आप या तो पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन ले लेते हैं। पहले कंडीशन में या तो आप दोनों को गुना कर ले, ब्रैकेट में है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करेगा, मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, मतलब ये 3 इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा और 3 इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा और बीच का साइन यही का यही रह जाएगा, क्या हो जाएगा हम लोगों के पास 3x + 6 = 9। अब उसके बाद रूल अप्लाई कर देंगे हम लोग, ये 6 इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इधर 3 डिवाइड में हो जाएगा, वैल्यू क्या आएगा इसका 1 आएगा। जब दूसरा कंडीशन हम लोग लेंगे तो हम लोगों के पास इक्वेशन क्या था, 3 × x + 2 = 9। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 इधर मल्टीप्लीकेशन में पूरे के साथ है, जब पूरे के साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, डिविजन में हो जाएगा,
तब पहले मल्टीप्लीकेशन वाला प्रोसेस करेंगे, तो x प्लस टू इधर आ जाएगा और 9 बाई थ्री, थ्री थ्री जा 9 हो गया। अब x प्लस टू इक्वल टू थ्री आ गया हम लोगों के पास। अब यहाँ 2 पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, 3 माइनस टू एक्स इक्वल टू, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आप लोगों का सेम आएगा। इसको हम लोग बैलेंसिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं, चलिए देखते हैं इसको बैलेंसिंग से सॉल्व करके। हम लोग इसको बैलेंसिंग से सॉल्व करके देखते हैं वही इक्वेशन को, जैसे 3 इंटू एक्स प्लस टू इक्वल टू 9 था, ठीक है। तो बैलेंसिंग से सॉल्व करेंगे तो पहले इधर मल्टीप्लीकेशन में तो दोनों तरफ 3 से डिवाइड होगा। अब ये 3 को हटाएंगे पहले, तभी तो आगे कुछ हटा पाएंगे। डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, क्लियर। तो दिस विल बी इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा यहाँ x प्लस टू और ये 3 3 जाए 9 कैंसिल आउट होकर बचेगा 3, ठीक है। तो अब सब्ट्रैक्टिंग ऑन 2 ऑन बोथ साइड, यहाँ पे x प्लस टू माइनस टू जीरो हो जाएगा, जीरो लिखने की जरूरत है नहीं, और 3 माइनस टू 1, तो इट विल बी आंसर। तो आप कैसे भी बनाएंगे किसी मेथड से तो आंसर आपका सेम आ जाएगा। अब चलिए हम लोग एक एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.2 का कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जिसमें हम लोग रूल अप्लाई करके बना लेते हैं, जैसे इसमें तो बाकी सब लोग बना लेंगे। अब हम लोग देखते हैं ये के देख लेते हैं, के हम लोगों के पास है 2q प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले दोनों साइड माइनस 6 करेंगे, ठीक है। तो दिस विल बी 2q और इधर 0 माइनस 6 क्या होगा, माइनस 6। अब इधर दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस 3। दिस विल बी द आंसर, आप यहां पे लिख लेंगे subtracting 6 on both sides, और यहां पे लिख लेंगे dividing by 2 on both sides, clear। आप इसको लिख लेंगे। अब उसी तरीके से हम लोग l देख लेते हैं, हम लोग बैलेंसिंग से ही बना सकते हैं। एल को मैं बनाऊंगा ट्रांसपोजिशन से, हम लोगों के पास क्या है 2q प्लस 6 इक्वल टू 12, आपकी मर्जी, आप ट्रांसपोजिशन से बनाइए, आप बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन का मेथड से बनाइए। 6 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, टू उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एक चीज और देखेंगे कि वेरीफाई कैसे करते हैं किसी भी इक्वेशन को, ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ इक्वेशन। तो वेरिफिकेशन ऑफ इक्वेशन के लिए, जैसे मान लीजिए हम लोगों के पास कोई एक इक्वेशन है, कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं 2q प्लस 6 इक्वल टू 12 इक्वेशन था, तो इसको हम लोग जब सॉल्व किए थे इसको, जब सॉल्व किया था तो क्यू का आंसर 3 आया। तो वेरीफाई करने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी बता देते हैं, जो वैल्यू है एक्स का, क्यू का, ठीक है, उसको इसमें पुट करना है। एलएचएस में क्यू है तो पहले एलएचएस लिखेंगे, एलएचएस क्या है 2q प्लस 6। अब यहाँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू इक्वल टू 3, 2 इंटू 3 प्लस 6, पहले बोर्ड मास के हिसाब से मल्टीप्लीकेशन होगा, 6 प्लस 6 6 12, एंड RHS is also 12. So since LHS is equal to RHS, therefore, hence verified. Okay, hence verified for what?
टू इक्वल टू थ्री इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा ट्रांसपोजिशन और बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, 4.2 4.3 में भी यही है, सॉल्व ही करना है इक्वेशन को, तो आप 4.3 को सॉल्व कीजिए। मैं 4.3 और 4.4 एक ही साथ लूंगा, वीडियो दूंगा उसका, जिसमें आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें जो लगता है कि हाँ आपसे नहीं बन पाएगा या प्रॉब्लम फेस करेंगे, तो उसको मैं सॉल्व करके अगले वीडियो में बताऊंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ओके।